क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। आपको सुनने को मिला होगा आसाम में जो एक्ट है निकाह और तलाक का 1935, उसको रद्द कर दिया गया है। और उसमें ऐसा बोला गया है कि वो इसलिए रद्द किया गया है कि चाइल्ड मैरिजेस ना हो, पर वो एक्ट के जरिए ऐसा भी बोला गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि काजी के पास नहीं जाना है, खुतबा नहीं होगा, खुतबा नहीं होगा तो निकाह कैसे होगा, और निकाह के हिसाब से नहीं करेंगे तो मेहर कैसे दिया जाएगा। अभी आपको पता है कि मेहर जो है वो लड़की का हक होता है, काफ़ी लोग मेहर उसको ऑन द स्पॉट दे देते हैं, काफ़ी लोग मेहर जो है वो डिवोर्स के बाद के लिए देते हैं। वो जो रकम होती है उस पर सिर्फ महिला का हक होता है, तो वो भी जो है वो भी एंगल चला गया। अब काजी जिनके पास जाते थे निकाह के लिए, जो खुतबा होता था, काजी जिनके पास जाते थे निकाह के लिए, उनको कुछ हदिया दी जाती थी निकाह के बाद, जो उनका रोज़गार होता था। अभी रोज़गार भी नहीं रहेगा उनके पास। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको ये हक दिया है कि हम जिस भी धर्म के हम उसके हिसाब से शादी कर सकते हैं, तो फिर ये किस चीज़ के लिए किया गया? अगर आप चाइल्ड मैरिज बोल रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बट उसके लिए तो देश में ऑलरेडी दुनिया भर के कानून है। हमको पता है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो 1929 में बना है, उसके बाद उसका अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि पहले 14 साल लड़की की उम्र थी, 18 साल लड़के की उम्र थी, फिर उसके बाद उसको इंडिपेंडेंस के बाद अमेंड किया गया, 15 साल लड़की की उम्र कर दी गई, 18 साल लड़के की उम्र कर दी गई, फिर 1978 में फिर दोबारा उसको अमेंड किया गया, 18 साल लड़की की उम्र कर दी गई, 21 साल लड़के की उम्र कर दी गई। तो ऑलरेडी हमारा, और वो जो भारत देश का कानून है तो पूरे देश में कायम होगा, चाहे आसाम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी हो, सब जगह पे वो इम्प्लीमेंट होगा ना। तो जब ऑलरेडी चाइल्ड मैरिज को लेके लॉ है, आप उस पर अमल बजाओ नहीं करो, ये नए नए आप रद्द करना या उसको कुछ चीज़ें बनाना, आप लॉज ऐसे बना रहे हो जो इम्प्लीमेंट होंगे ही नहीं। क्योंकि शरीयत, हम तो शरीयत को मानते थे, मानते हैं और ज़िंदगी भर शरीयत को मान के चलेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे लॉ बना के मतलब नहीं है जिसपे इम्प्लीमेंटेशन ना हो। एक सिर्फ आप एक बुक बना के मत रखिए जिसपे आप लॉ बनाए जा रहे हो, रद्द किए जा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, मैन पावर आपके पास है नहीं इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लॉज। ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है पोलराइजेशन करने का, लोगों को भटकाने का, डाइवर्ट करने का, ताकि वो अहम मुद्दों से हटके ये सारी चीज़ों में उलझे रहे। अहम मुद्दे जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अहम मुद्दे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अहम मुद्दे जैसे कि महंगाई, ये सब से हटके रहे लोग, और यही सब भड़काव वाले टॉपिक्स में लगे रहे, एक दूसरे से भिड़ते रहे। कोई शासन को आपकी तरफ से मेमोरेंडम दिया जाएगा इसके बाद, ये जो धरने प्रदर्शन के बाद क्या रहेगा अगला कदम आपका? जी, हम इसके तहत देखिए ये हो तो रहा है आसाम में, तो हम इसके लिए अभी आवाज़ उठा रहे हैं, और इसके लिए जो भी हमको लीगली करना पड़े तो हम करेंगे। ठीक।